पंचायत समिति चुनाव में निर्दलियों ने बिगाड़े भाजपा कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के समीकरण। पहली बार हो रहे सरमथुरा पंचायत समिति के चुनाव 15 वार्डों में 45 उम्मीदवार मैदान में। सरमथुरा पंचायत समिति सरमथुरा में पहली बार होने जा रहे चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा व कांग्रेस पीयू सहित अन्य पार्टी ने अपने सिंबल पर लोगों को चुनाव में खड़ा तो कर दिया, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज बागियों को मनाने में दोनों ही पार्टी नाकाम रही। वहीं बागियों ने चुनाव मैदान में निर्दलियों ने ताल ठोककर पार्टियों के उम्मीदवारों के समीकरण गड़बड़ कर दिए। पंचायत समिति चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में सरगर्मियां तेजी से देखने को मिल रही हैं। उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर वोटरों को लुभाने लगे हुए हैं। पंचायत समिति सरमथुरा में 15 वार्डो में 45 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। पंचायत समिति के कई वार्डो में मुकाबला आमने सामने का तो कहीं त्रिकोणीय होने के कारण चुनाव खासा रोचक बना हुआ है, तो कहीं कहीं निर्दलियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं चुनावी चर्चा को लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कस्बा में चाय की थड़ियों पर चुनावी चर्चा को लेकर समर्थक अपने अपने उम्मीदवारों के जीतने के दावे कर रहे हैं। साथ ही पार्टी उम्मीदवार अपने नेताओं के भरोसे प्रचार कर रहे हैं तो निर्दलीय जनता के सहारे लगे हुए। बहरहाल पंचायत समिति का चुनाव तीसरे चरण में 26 अक्टूबर को होगा। सरमथुरा से बिछड़ू सोनी की खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले में रविवार की शाम करीब 4 बजे बदमाशों ने जिला स्पेशल टीम पर फायरिंग कर दी। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। कार में सवार बदमाशों को रोका तो फायरिंग कर फरार हो गए। इस दौरान टीम ने पीछा किया, 5 बदमाशों को पकड़ पुलिस थाने ले आई। इनसे 6 हथियार भी बरामद किए गए हैं। अनुबंध पर लगी बसों की हालत खराब। एक ओर तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों से सुगम और सुरक्षित यात्रा का दावा कर रहा, वहीं दूसरी ओर निगम में अनुबंध पर लगी बसें इसकी पोल खोलती नजर आ रही हैं, जिसमें अनुबंध पर लगी बसों की हालत हमें कंडम हालत में देखने को मिली, जिसमें यात्रा करने में यात्रियों को दुर्घटना का भय लगा रहता है। ऐसा ही एक नजारा आज हमें देखने को मिला, जिसमें बस संख्या RJ10PS6390 जिसका साइड से एक हिस्सा क्षतिग्रस्त था, जिसकी मरम्मत भी नहीं हुई और उसी बस में यात्रियों को यात्रा करवाई जा रही। साथ ही सबसे ज्यादा हालत धौलपुर कलोरी लोड की है, जिस पर निगम की अधिकतर कंडम बसें दौड़ती हुई दिखती हैं, जो बीच रास्ते में कई बार खराब हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन सब के बावजूद भी निगम के जिम्मेदार मौन धारण किए हैं, जिससे यात्रियों को डग्गे मारे प्राइवेट वाहनों में यात्रा करने को मजबूर होना पड़ता है। साथ ही यात्रियों ने रोडवेज प्रबंधन से बसों की मरम्मत करवाने की बात कही। सरमथुरा से बिछड़ू सोनी की खास रिपोर्ट। मेंटेनेंस कार्य के चलते बरौली आंगई में कल बिजली रहेगी बंद। सोमवार को बरौली आंगई में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटे बिजली बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता HTM हरिओम शर्मा ने बताया कि दीपावली मेंटेनेंस के चलते सोमवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी, जिसके चलते आंगई व बरौली से निकलने वाले सभी फीडरों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सरमथुरा से बिछड़ू सोनी की खास रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड में आंगई गांव के पास नेशनल हाईवे संख्या 11B पर एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक कैला देवी से दर्शन करके वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। साथ ही हाईवे पर जगह जगह गड्ढे होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे रोजाना दुर्घटना होती रहती है। वहीं घटना की सूचना पर आंगई चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को आंगई चौकी में रखवा दिया है। वहीं आंगई पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। सरमथुरा से बिछड़ू सोनी की खास रिपोर्ट। द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर चाइल्ड AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन नर्सरी से कक्षा 12 तक। हनुमान
हनुमान जी मंदिर पर किया प्रसादी का आयोजन। सर मथुरा कस्बा स्थित खरेर वाले हनुमान जी मंदिर पर आज भक्त मंडल के द्वारा प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। कमेटी के सदस्य राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी खरेर हनुमान जी आश्रम पर हनुमान जी का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई और तत्पश्चात भोजन प्रसादी का कार्यक्रम कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान राजेंद्र शर्मा, सोनू चरोरी, त्रिलोकी उपाध्याय, अंकुर उर्फ अंकु, भोला सिंह जादौन, पुत्र सिंह, शंकर सिंह, दिलीप, जीतू शर्मा, अरविंद गोयल, मान सिंह चौहान, डॉक्टर प्रवीण, सचिन मीणा सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। सर मथुरा से बिस्लू सोनी की खास रिपोर्ट। कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां हम तैयारी करवाते हैं आर्मी, पुलिस, पटवार, रीट, नेवी, टीचर ग्रेड फर्स्ट सेकंड, एनडीए, ग्राम सेवक, एयरफोर्स, बैंक और एसएससी की। और यहां हमारे द्वारा अनाथ और विकलांग छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रवेश के लिए संपर्क करें। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।